उन दिनों दर्द का एहसास कुछ ज्यादा हुआ था। घर के बाहर सोना, सोना भी क्या, दर्द से करवटे बदलना। पीरियड्स में कपड़े की जलन से अब मेरा शरीर भी टूटने लगा था। जिन हाथों को किस्मत रचने के लिए बनाया था, उन्हीं हाथों से चोरी छुपे कपड़ा मिट्टी में गाड़ना अपनी आदत बनाया था। जिंदगी के हिस्से से लड़ाई अभी खत्म कहां हुई थी, तभी तो कपड़े को मैंने अपनी ढाल बनाया था। समय बदला, हालात बदले, पर मुश्किलें वहीं रहीं। पहला खून का दाग मेरे कपड़ों पर शायद कुछ ज्यादा गहरा लगा था। तभी माँ का मुझे डांटना, खींच कर अंदर कमरे में ले जाना और चोरी छुपे अखबार में पैड लपेट कर देना, उन्हें शायद थोड़ा जरूरी लगा था। मेरी अपनी पसंद के खाने में भी पाबंदियां बड़ी थी। पीरियड्स में अचार को ना छूने देने की अजीब सी समझ थी। आजादी से ना जी पाने की वजह कई आने लगी थी और एक बार फिर से मैं वहीं सहमी बैठी रही थी। बदलाव की तरफ जो कदम बढ़ाया, कपड़े को छोड़ साफ और सुरक्षित विकल्पों को मैंने अपनाया। शुरुआत में थोड़ी सी घबराहट हुई, बेचैनी हुई। मेंस्ट्रुअल कप को अपनाने और इस्तेमाल करने की जब मेरी शुरुआत हुई, बदलाव के एक कदम से अब कई मुश्किलें आसान हैं। सबके साथ और अपनेपन से मेरा जीवन खुशहाल है। जिंदगी की परेशानियां घटी, मेरे अपनों से दूरियां मिटी। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना आसान हुआ। लोगों की सोच में जब बदलाव हुआ, दिस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, लीड योर लाइफ टुवर्ड्स अ बेटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर।